इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है, उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के कम होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150-150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपए में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपए में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपए में और 600 रुपए में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है, ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए, अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, दाम इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पर ले आएंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पर फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात की 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले एक दो दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे, उसके दो चार दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पर 200 बेड्स का ICU भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन। केजरीवाल जिन्होंने बताया कि अब वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेज किया जाएगा, 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब इसका एकमात्र रास्ता है और वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना, जिसके लिए 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आज सुबह राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई, वहां पर भी अतिरिक्त बेड लगाए गए, ऑक्सीजन बेड्स वहां पर हैं, जिसमें 200 ICU बेड्स की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल, हालांकि सेकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन, 7 दिन का पूरा लॉकडाउन है, पहले 6 दिन का लॉकडाउन था, फिर अब 7 दिन का और बढ़ाया गया। इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि तमाम हेल्थ फैसिलिटीज
को और दुरुस्त किया जाएगा।